नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। बड़ा ही डिफिकल्ट डे रहा ट्रेडर्स के लिए, बट जिन लोगों ने लाइव सेशन ज्वाइन किया वहाँ मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आज बाजार में 300 के लेवल के आसपास जब बाजार आज आपको दिख रहा था, हमने क्लियरली आपको कहा कि बाजार में से निकल जाना चाहिए, क्योंकि 11 मई की आज की जो ओपनिंग थी वो हमारी ओपनिंग हुई थी कुछ यहाँ पे। दिस वॉज 925 कैंडल, और इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो दिस वॉज 915 कैंडल। यहाँ पे बाजार ने हाई लगाया 16,345 रुपये। मैंने क्लियरली आपको कहा कि ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। ऑप्शन चेन हमें इंडिकेट कर रही थी कि ये एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, और धीरे धीरे रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट होता चला गया, और जब रेजिस्टेंस नीचे की तरफ आ रहे चला जाता है तो हमें एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है कि बाजार एक सेलिंग ट्रेंड में ही है। उसको हम रिकन्फर्म करने के लिए हम लोगों ने 5813 का यूज़ भी किया, वो भी हमें सेलिंग ट्रेंड इंडिकेट कर रही थी, और एक्जैक्टली उसी पॉइंट पर मॉर्निंग से ही सेलिंग ट्रेंड हमें इंडिकेट हो गया था। सेकंड कंफर्मेशन हम ये ऑप्शन चेन से थी, और थर्ड कंफर्मेशन अगर हम हैकेनेशी कैंडल से पूछते हैं तो हैकेनेशी कैंडल ने भी हमें एक क्लियर कट इंडिकेशन दिया था कि यस दिस वाज अ सेलिंग ट्रेंड। सेलिंग ट्रेंड यहां से आपका शुरू हुआ और इट वाज अ क्लियर क्लियर इंडिकेशन कि भैया यहां से आपको निकल जाना चाहिए। अराउंड 300 इट वाज अ प्रॉफिट बुकिंग लेवल। वी वर एक्सपेक्टिंग कि बाजार 225 के आसपास जरूर आना चाहिए, वहां पे बाजार आया। उसके बाद मैंने रनिंग कमेंट्री चल रही थी लाइव सेशन के बीच में, कहा कि 16,125 के आसपास बाजार आए तो लेने की सोचेंगे, बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग दी ऑप्शन चेन। 10:30 के आसपास हमें लाइव सेशन ज्वाइन करना ही होता है, मेरे अपने बहुत सारे काम पोजीशंस होती हैं उनको देखना होता है। तो 10:30 के बाद भी मैं देख रहा था, जो ऑप्शन चेन के स्टूडेंट्स मेरे वो वॉच कर ही रहे थे कि बाजार 16,125 को भी होल्ड नहीं कर रहा है, एंड वी वर प्रीटी क्लियर कि अगर 16,129 होल्ड नहीं होगा तो 16,000 के आसपास हम बाजार को जाते हुए जरूर देखेंगे। अब यहाँ स्ट्रैटेजी क्या रहती है मेरी, मेरे स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, जो मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं जो बाजार से डरते नहीं है ना, जो बाजार में किसी भी लेवल पर पोजिशन बनाना जानते हैं, हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही क्लियर है कि जब सपोर्ट के आसपास में बाजार चले, वो सपोर्ट से ऊपर चलने लगे वॉल्यूम्स के साथ में, तो हम वहां पे सपोर्ट को स्टॉप लॉस लेके ट्रेड कर सकते हैं। 16,000 के आसपास में ऑप्शन चेन हमें बहुत ही क्लियर कह रहे थे भैया यहां हम ट्रेड ले सकते हैं, 16,000 से एक क्लियर क्लियर हमें विनिंग ट्रेड दिखाई दे रहा था, और हम कम से कम दो टारगेट्स के लिए काम करते हैं आपको मालूम है। तो 16,000 से ऊपर चलने में बजाय 16,250 तक जाने की उम्मीद हमें दिखती थी, जो 16,200 के आसपास में बाजार की क्लोजिंग भी दिखाई दे रही है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अच्छी खासी रैली हमें दिखी 16,000 से। हालांकि एक बार के लिए 15,993 15,993 गया था, 16,000 को ब्रेक किया था, बट दैट इज जस्ट फॉर अ मोमेंट, और वहाँ पे क्लियर था कि भाई यहाँ पे बाइंग जोन बन ही रहा है, और आज भी बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया। गाइस, हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली व्हेन यू रीड द ऑप्शन चेन डेटा करेक्टली। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुंबई क्लास इज ऑन 29th मई इज द क्लास, एक दिन की पूरी क्लास होगी और ऑप्शन चेन के ऊपर पूरा मास्टरी करके जाएंगे हम लोग बैठ के। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली, कोई इंडिकेटर्स यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। इंडिकेटर सिर्फ मैंने किसी स्टूडेंट की डिमांड पे रखे थे कि चलो आज 5813 मेरी पुरानी स्ट्रेटजी यूज कर लेते हैं, उसको यूज करके देखा लाइव मार्केट में वो भी बड़े अच्छे से काम करती है, बिकॉज 5813 इज नथिंग बट द फिबोनाची लेवल्स, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब बाजार में क्या है, एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं 200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो रखा है। जब तक बाजार इसको क्रॉस नहीं करेगा, यहीं से ही बाजार ने एक अच्छी खासी सेलिंग हमें दी थी, इस लेवल को तोड़ा था, तो यहाँ पे 225 से लेके 250 के लेवल के आसपास का जो मार्क है, ये जोन हमारे एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। जब बाजार इसके ऊपर चलेगा तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, ऑप्शन चेन बताएगी हमें शॉर्ट कवरिंग हो रही है नहीं हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप है शॉर्ट बिल्डअप है, वो समय वहाँ से देखने को मिलेगा। वो कंफर्मेशन देखने के बाद हम नेक्स्ट ट्रेड लेने वाले हैं। बाजार में जो सेलिंग के प्रेशर्स हैं, हर तरफ ये माहौल है कि बाजार डिप्रेशन में जा सकता है, मार्केट्स इकोनॉमीज डिप्रेशन में रिसेशन में जा सकती है, जी हाँ जा सकती है, अगर लगातार रेट कट रेट हाई अगर लगातार रेट हाइक्स होंगे बैंक्स के थ्रू, सेंट्रल बैंक्स रेट हाइक कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज ने रेट हाइक्स किए हैं, अगर रेट हाइक्स होते रहे तो ये एक क्लियर क्लियर इंडिकेशन है कि येस इकोनॉमीज आर गोइंग टू विटनेस अ रिसेशन। बट क्या रिसेशन में हम बाजार से बाहर हो जाएंगे? जी नहीं, बाजार की एक साइकिल है, बाजार में तेजी आती है, बाजार में कंसोलिडेशन आती है, बाजार में गिरावट आती है, दिस इज ऑल द गेम विच मार्केट प्लेज एवरी नाउ एंड देन। ये मार्केट का हिस्सा है जो बाजार के साथ रहेंगे। जो इन्वेस्टर्स हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने अच्छे अच्छे स्टॉक जो आप स्टडी करते हैं, जो आपके फेवरेट हैं, उन पर स्टडी कीजिए, दाव लगाइए, क्योंकि अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी बर्बाद हो रही है, कंपनी शट डाउन कर रही है, तो आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए। अगर कंपनी सही है एंड स्टॉक प्राइसेस आर फॉलिंग बिकॉज ऑफ डिप्रेशन करेक्शन और क्रैशेज, then that is the opportunity of the lifetime. I must tell you, go and study the charts. जब जब stocks ने crash किया है उसके बाद जो आपने पैसा कमाया है, शायद आपने 3 times 4 times पैसा कमाया हुआ, तो please stay invested. Those are investors, keep accumulating on every dip. Every dip क्या होगा, support levels find out कीजिए, देखिए कहाँ तक बाजार गिर सकता है, study कीजिए, time लगाइए, थोड़ा पैसा लगाइए, losses झेलने की आदत डालिए guys.
अब आप कहेंगे लॉसेज झेलने का, लॉसेज तो हमारे स्टॉक मार्केट का हिस्सा है, जो लोग लॉसेज पे जीत पा लेते हैं वो बाजार में पैसा बनाते हैं। तो मेरी आपसे उम्मीद है आप डरेंगे नहीं। तो जो लोग भी बाजार को देख रहे हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, सभी बैंक इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अगर हमको देखना है कि अगर निफ्टी 250 के ऊपर चलती है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे 225 के आसपास का, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, बट ओनली एंड ओनली आफ्टर वंस वी कंफर्म द ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन से कंफर्मेशन के लिए कल मिलते हैं सुबह 9:15 पे। आप भी आइए, दोस्तों को भी लेकर आइए, और सीखना है तो मुंबई आइए। चलिए मिलते हैं कल सुबह 9:15 पे या मुंबई में 29 तारीख को। सी यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।